गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा लैब का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्रिएट करेंगे सीएसएफ एस डिवाइस एंड हम उसको कैसे एसोसिएट करते हैं एंड यूजर से पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हम एंड यूजर कैसे क्रिएट करते हैं यूसी सर्विस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं क्या होती हैं यूसी सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं यूनिटी आई एम एंड प्रेजेंस सी टी आई कॉन्फ्रेंसिंग डायरेक्टरी और हमने ये भी देखा था ग्रुप्स एंड रोल्स हम कैसे बनाते हैं कैसे एक हम ग्रुप्स दे के हम उससे लॉग इन कर सकते हैं सी यू सी एम पे तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी अबाउट द इन द प्रीवियस लेक्चर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सी एस एफ डिवाइस कैसे क्रिएट करते हैं उसको कैसे एसोसिएट करते हैं एंड यूजर से गेटवे कैसे ऐड करते हैं प्रेजेंट सर्वर पे और सर्विसेज जो होती है हमारी आई एम एंड प्रेजेंट सर्वर की वो कौन कौन सी होती है कहाँ से जाके हमें ये एक्टिवेट करनी होती है इन सर्विसेज का क्या क्या काम है ये मैंने आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जयबर बूटा प्रोसेस के आप जाके देख सकते हैं मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फर्स्ट लेक्चर का जो भी जयबर बूटा प्रोसेस का तो अब स्टार्ट करते हैं सी एस एफ डिवाइस से कि हम सी एस एफ डिवाइस कैसे बनाते हैं ठीक है तो ये है हमारा आ सी यू सी एन सर्वर जो कि मैंने ऑलरेडी मैंने इस पर लॉग इन कर रखा है हमारे सी यू सी एन सर्वर पे ठीक है तो इसमें अब आपको क्या करना है सी एस एफ डिवाइस क्रिएट करनी है सी एस एफ डिवाइस के लिए आपको क्या करना है आपको डिवाइस पे जाना है डिवाइस के बाद फोन पे जाना है ठीक है अब सी एस एफ डिवाइस मेनली यूज किस लिए होती है सीएसएफ डिवाइस आपकी मेनली यूज होती है अगर आपको जैबर से कॉल करना है अब कहाँ पे कॉल करना है ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेस क्या दे रहे हो अब मेन चीज है कि आपको एक्सेस कैसे देना है एक्सेस क्या देना है वो डिपेंड करता है आपके सी एस एस पे कि आप उसको क्या सी एस एस दे रहे हो कि वो पर कॉल कर पाए ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं एड न्यू तो मैंने जैसे ही न्यू पे क्लिक किया इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन हैं आपको सी एस एफ डिवाइस क्रिएट करने के एक आप नॉर्मली क्रिएट कर रहे हैं एक आप कॉपी कर रहे हैं आप बल्क कर रहे हैं अलग अलग ठीक है अब यहाँ पे मैंने जैसे ही एड न्यू पे क्लिक किया कह रहा है फोन टाइप अब मेरे पास कोई फोन मॉडल नंबर तो है नहीं जो मैं फोन टाइप बताऊं तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ सी एस एफ सी एस एफ दैट मीन क्लाइंट सर्विसेज फ्रेमवर्क तो ये आपके मॉडल्स हैं अगर मैं एक न्यू फोन ऐड कर रहा हूं तो मैं मॉडल चूज करूंगा बट अब मैं क्या कर रहा हूँ सॉफ्टफोन एक ऐड करना है मुझे तो मुझे यहां पे देखना है जहां पे ये शो करे क्लाइंट सर्विसेज फ्रेमवर्क ठीक है लाइक like आपका ये आईपी कम्युनिकेटर भी दे रहा है जयपर फोर टेबलेट भी दे रहा है स्पार्क रिमोट डिवाइस या टेलीप्रेजेंस सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी उसके लिए भी क्लाइंट सर्विस लाइक दिस वन सिस्को यूनिफाइड क्लाइंट सर्विसेज फ्रेमवर्क दैट मीन सी एस एफ जैसे क्लिक किया इसके बाद आप क्लिक करिए नेक्स्ट ठीक है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये पेज ओपन कर देगा ठीक है आप यहां पे कह रहा है डिवाइस नेम बताओ अगर आप एक नॉर्मल फोन ऐड कर रहे हो तो उस डिवाइस नेम में आपको डालना है मैक एड्रेस बट आप यहां पर सीएसएफ डिवाइस क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या डालोगे आप डाल दीजिए यहां पर सीएसएफ यूट्यूब ठीक है मैंने ये बना दिया सी एस एफ यूट्यूब के नाम से ठीक है लाइक like मैं जस्ट एक सेम नेम दे देता हूँ जो मैंने एंड यूजर में दिया था सी एस एफ ओके ये पूरा लेगा नहीं तो लेट्स जस्ट से सी एस एफ यूट्यूब ठीक है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन uh, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल आप यही नाम ही दे दीजिए या आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज है आपकी डिवाइस पूल जो कि आपका इंपॉर्टेंट है डिवाइस पूल डिवाइस पूल अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट डिवाइस पूल में मेनली आपको क्या होते हैं आपकी प्रेजेंस सॉरी oh, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर का आईपी जो मैंने अपना डिवाइस पूल में दे रखा होगा ठीक है डिवाइस पूल में क्या होगा सी सी एम ग्रुप होगा सी सी एम ग्रुप में क्या होगा आपके uh, चीजें होंगी आपके सब्सक्राइबर्स हो वगैरह ये सब चीजें जो मैंने डाल रखी होंगी ठीक है उसके बाद है आपका फोन बटन टेम्पलेट फोन बटन टेम्पलेट में मैं नॉर्मल यही दूंगा सी एस एफ का ही टेम्पलेट जो एक नॉर्मली चलेगा ठीक है कॉमन फोन प्रोफाइल इसने स्टैंडर्ड दे रखी है उसके बाद आती है आपकी ये कॉलिंग सर्च स्पेस यहाँ पर आप सी एस एस दोगे जो आप सी एस एस बनाओगे कि उसको मुझे कितनी एक्सेस देनी है ये कहाँ कॉल कर पाए और कहाँ कॉल ना कर पाए लेक्चर से सी एस एस मेरे क्रिएट है मैंने एक रेंडम दे दिया अभी ठीक है लोकेशन आपकी हबन ये ऑटोमेटिकली आएगी डिफॉल्ट आ रही है आप चेंज करना चाहें अलग से आप क्रिएट करोगे वो सब चीजें बात की ठीक है अब उसके बाद आती है कि ऑनर और ऑनर यूजर आई अब यहाँ पे मुझे वो यूजर आई डालनी है जो मैंने एंड यूजर में बनाई है ताकि जो मेरी कॉल्स जाएंगी वो मेरे पर रिफ्लेक्ट हो कि इस यूजर आईडी से कॉल जा मैंने कौन सी बनाई थी ये ऑनर यूजर आई ये होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो वो ये आई की डिटेल्स लेके जाएगा ठीक है और बाकी चीजें अभी के लिए एज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जो चीजें थी हमारी ये मेन ऊपर थी एंड क्लिक ऑन सेव अब इसमें क्या कह रहा है आप देखो जैसे मैं कुछ भूल गया इसमें मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैं भूल गया तो ये यह यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा एक नोटिफिकेशन के सिप प्रोफाइल चाहिए सिर्फ डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल चाहिए ये रिक्वायर्ड है ठीक है अब उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे होगी आपकी profile, सिप प्रोफाइल ये री सिप प्रोफाइल है ये सिप चलता है आपको इसलिए सिप की चीजें डालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड सिप प्रोफाइल ठीक है आपने ये डाल दिया उसके बाद आपको एक क्या और डालनी है मैंडेटरी थिंग्स डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल मैं कौन सी दे रहा हूँ मैंने सी एस एफ बनाया है मैं देता हूँ स्टैंडर्ड सिप नॉन सिक्योर में ठीक है और क्लिक ऑन सेव अब ये कह रहा है कि अप्लाई अप्लाई ओके सेव करने के बाद का आपको ऑप्शन और बटन शो कर देगा ठीक है जैसे मैंने सेव किया मेरी एक न्यू विंडो आ गई ठीक है अब इसमें क्या है ये मेरा पेज तो बन गया जो मैंने चीजें डाली थी अब मुझे क्या करना है इस सी एस एफ डिवाइस को एक नंबर देना है क्योंकि कॉल तो तभी कर पाएगा जब इसके पास नंबर होगा तो मैं यहाँ जाऊंगा एड अ न्यू डी एन दैट इज डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी नंबर आपने क्लिक किया ये लोड गया ये चेक करेगा कि ये किसी और को अगर असाइन है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ये इसको भी असाइन है यहाँ पे ये सी एस एफ डिवाइस है ये मैक एड्रेस ये यहाँ आपको शो कर दे अब मैं दे रहा हूँ पार्टीशन पार्टीशन मैंने अभी दे दिया चलो एक पार्टीशन जो मैंने क्रिएट कर रखा है पार्टीशन का मेन काम क्या है यहाँ पे अगर आपने सी पार्टीशन ढंग से पढ़ा है तो आप यहाँ पर बता पाओगे कि इस पार्टीशन का काम क्या इस पार्टीशन का मेनली जो काम है यहाँ पे ये यह है कि मुझे कौन कौन कॉल कर सके राइट तो ये यह यहाँ पे इस पार्टीशन का काम है डिस्क्रिप्शन में हम यही नॉर्मल दे देते हैं टेस्ट यूट्यूब भी मैं यही दे देता हूँ टेस्ट यूट्यूब ठीक है यू ट्यूब यूट्यूब ठीक है उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टरी नंबर सेटिंग वॉइस मेल प्रोफाइल अब मैं चाहता हूं कि अब इस पर अगर को कोई कॉल करे और मैं कॉल ना उठाऊं तो ये वॉइसमेल पे भी जाए ठीक है तो ये वॉइसमेल प्रोफाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको या अगर आप नहीं चाहते वॉइसमेल प्रोफाइल क्रिएट करना तो जो एक डिफॉल्ट वन होगी वो उस पर चलेगा मैंने ये डिफॉल्ट दे दिया इसके बारे में हम डीप डाइव डिस्कस करेंगे जब मैं इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा सीयूसीएम और यूनिटी के बीच में ठीक है तो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है वॉइस इसमें प्रोफाइल कैसे वर्क करती है ये इसके बाद कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता लाइक like, वॉइस इसमें प्रोफाइल जाएगी उसके बाद ग्रुप्स में हंट ग्रुप्स होते हैं आपके ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे जब मैं आपको उसके इंटीग्रेशन uh, के बारे में बात करूंगा बिटवीन सी एंड यूनिटी ठीक है उसके बाद है हमारा मेन सी एस एस जब आप इससे कॉल कर रहे हो तो आप कहाँ कॉल कर सको वो इस सी एस एस पे डिपेंड करता है सी एस एस पे डिपेंड कर मैंने देखा सी एस एस मैंने मैंने चलेक्टी चूज कर लिया अब इसके अंदर मैंने कौन से पार्टीशन दिए कहाँ कॉल कर सकता है ये डिपेंड करता है जब मैंने अपना सी एस एस और पार्टीशन क्रिएट की ठीक है उसके बाद आपकी ये वॉइस मेल वाली चीजें है कि अगर फॉरवर्ड और आपको करना है आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे तो सारी कॉल्स आपकी वॉइसमेल पे चली चल जाएंगी या फॉरवर्ड बिजी इंटरनल ये वो आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंड सेटिंग्स आप चाहते हो फॉरवर्ड वॉइस मेल पे जाए तो आपको यहाँ सी एस एस भी सिलेक्ट करना है आप चीजें नहीं सिलेक्ट करोगे नन मीन्स तो आई होप यू नो अबाउट नन इन सी एस एस इन पार्टीशन नन मीन्स सब कुछ मतलब वो कहीं भी कॉल कर सकता है हर चीज का एक्सेस ठीक है कॉल पिकअप ग्रुप और ये चीजें आपको देने की जरूरत नहीं है डिस्प्ले कॉलर आईडी सेम हम दे देते हैं एस सच अभी के लिए क्योंकि हम एक वो कर रहे हैं ये टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ मैं तो लाइन टेक्स लेबल इसमें आप देना चाहते हो कि जब आपका आप इसको जैसे अगर ये लाइन टेक्स लेबल की मेले रिक्वायरमेंट यहाँ पर इतनी नहीं है जितने की फोन में होती है जब आप फिजिकल फोन क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क आप दे सकते हो कि वहां पे क्या मेरा शो करे मैं यहाँ पे क्या नंबर तो लाइक यहाँ पर मैंने दिया है वन टू थ्री सिक्स फाइव फोर सेवन एट एट डिजिट्स का दिया बट मैं चाहता हूँ वहाँ पे टेन डिजिट्स का शो हो तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क में कुछ भी दे सकता हूँ like लाइक मैंने दिया प्लस वहाँ पे मैंने एट डिजिट्स का था मैंने यहाँ पे दो डिजिट और एड करे वन फोर उसके बाद मैं दे देता हूँ अब इसका मतलब क्या है एक्स 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 का मतलब है कि उसको शो करेगा जिसको मैं कॉल करूंगा वो दिखेगा प्लस वन फोर जीरो 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 मैं चाहता हूं कि पूरा ही नंबर शो हो जिससे मैं कर रहा हूं तो मैं वो नंबर डाल देता हूं प्लस वन फोर वन टू थ्री सिक्स फाइव फोर सेवन एट तो ये पूरा नंबर शो होगा विद्लस वन फोर ठीक है उसके बाद आपको ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स और विजिटर कितने आप कॉल चाहते हो कितने विजिट रिगर दिखाए और उसके बाद सेव इसके बाद जो मेन नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका एसोसिएट कि आप इस सी एस एफ डिवाइस को कैसे एसोसिएट करोगे यूजर एंड यूजर्स ठीक है जैसे ही आपने सेव किया यहां पर आपको दिखेगा यूजर्स एसोसिएटेड विद लाइन कुछ भी नहीं है और आप एसोसिएट कर दो मैंने यहाँ पे क्लिक करा एसोसिएट एंड यूजर्स जैसे ही मैं ये एसोसिएट एंड यूजर पे क्लिक करूंगा ये एक नई विंडो ओपन कर देगा ठीक है इसने एसोसिएट एंड यूजर पे करते ही ये विंडो आ गई यहाँ पे मैंने चेक किया चलो फाइन पे क्लिक करते हैं फाइन पे करते ये मुझे एंड यूजर्स दिखा देगा जो जो मेरे एंड यूजर्स बने हुए हैं अब मुझे किससे इसको एसोसिएट करना है वो मुझे पता होना चाहिए मैंने इससे करना है टेस्ट यूट्यूब पे किया और एड सेलेक्टेड एड सिलेक्ट करते ही यहां पर अब ये शो हो जाएगा जो मैंने एंड यूजर क्रिएट किया लाइक like, आप यहां देख सकते हैं यूट्यूबर यहां पर हो गया फुल नेम है यूजर आई डी टेस्ट यूट्यूब परमिशन जो भी होंगी उसके बाद आपको क्या करना है सेव अगर आपने सेव नहीं किया ये सेव नहीं होगा यहाँ आपको लगे कि आपने ये जैसे ऐसी ट्रेंड कर दिया तो ये सेव होगा नहीं सेव किया अपडेट सक्सेसफुल

एक तो हमें प्रेजेंस पे गेटवे कैसे ऐड करना है नेक्स्ट चीज प्रेजेंस की सर्विसेज ठीक है तो हम चाहते हैं प्रेजेंस पे ये प्रेजेंस मैंने लॉग इन कर रखा है ऑलरेडी ठीक है प्रेजेंस पे अब हम गेटवे कैसे ऐड करेंगे आपको प्रेजेंस पे जाना है गेटवे पे क्लिक करना है अभी इसमें आपको ऑलरेडी ये शो करेगा कि गेट ऑलरेडी एडेड है क्यों क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है आप ये बाय डिफॉल्ट भी ऐड होता है जब आप एक इंस्टॉल करोगे तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि आप उसको बताओगे ये है मेरा सी यू सी एम का आई अब मैं इसको कर देता हूं डिलीट ये क्या कह रहा है कि यूर अबाउट टू परमानेंटली डिलीट दिस 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 कोई बात नहीं हम दोबारा ऐड कर लेंगे ठीक है ये हमारा डिलीट हो गया अब कोई गेटवे नहीं कोई कुछ मुझे क्या करना है ऐड न्यू पे जाना है ऐड न्यू पे ये क्या कह रहा है यू कैन कॉन्फिगर अ सी सर्वर एज अ प्रेजेंस गेटवे मैं वही करने जा रहा हूं मुझे क्या करना है सी सर्वर करना है आप एक्सचेंज से करो ऑफिस से करो बट मोस्टली हम सी से करते हैं क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे है

ठीक इस है इसमें गेट गेटवे एड कर दी इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी सर्विसेज जो मैंने आपको दिखाई थी जो एम एंड like like तो हमें कहां से एक्टिवेट करनी है? इन सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है नेविगेशन सिसको इनफाइड प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस एबिलिटी इस पर क्लिक किया गो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रॉपर यहाँ पर सारी सर्विसेज शो होंगी ठीक है उसके लिए आपको कहां जाना है टूल्स एंड सर्विस एक्टिवेशन कंट्रोल सेंटर फीचर सर्विसेज नेटवर्क सर्विसेज पे ये सर्विसेज हैं सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पे टूल्स सर्विस एक्टिवेशन अब यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो आपकी वो पांच सर्विसेज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं कि हमें वो एक्टिवेट करनी है वो सारी नहीं मिलेंगी यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगी सर्विस एक्टिवेशन में कुछ बाकी आपको मिलेंगी नेटवर्क सर्विसेज में आपको यहाँ पर दो सर्विसेज मिलेंगी किसने हम एंड पेरेंट्स पे जाना है गो ठीक है इसके बाद आपको यहां पर दिखेंगी वो सर्विसेज अब यहां पे आप देखोगे ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं ये सर्विसेज हम डीएक्टिवेट करके दोबारा भी कर सकते हैं बट देखो अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सेल सर्विस बल्क प्रोविजनिंग सर्विस एबिलिटी और ये सारी सर्विसेज हैं जो हमारी नॉर्मल ये सर्विस एक्टिवेशन में दिखा रही

प्रॉक्सी एंड सिस्को प्रेजेंस इंजन में भी ये दिखेंगी कि डीएक्टिवेट हो चुकी है ठीक है इसके बाद ये थी हमारी दो सर्विसेज प्रॉक्सी एंड प्रेजेंस इंजन इसके बाद जो हमारी तीन सर्विसेज बचती हैं कौन कौन सी बचती है हमारी एक्सीपी राउटर बचती है सिंक एजेंट बचती है एंड क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट बचती है वो हमारी जो सर्विसेज होंगी वो हमें शो करेंगी नेटवर्क सर्विसेज में जो मेरी यहाँ पे टूल्स में जाकर अगर मैं ये नेट कंट्रोल सेंटर नेटवर्क सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर शो करेगी ये टाइम क्यों ले रहा है लोडिंग प्लीज वेट जो ये बार बार दिखा रहा है क्योंकि जब भी आप सर्विस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उसको डीएक्टिवेट करने में और एक्टिवेट करने में ठीक है अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ प्रॉक्सी और पेजेंस इंजन मेरी डीएक्टिवेट हो चुकी है ठीक है नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी सर्विसेज सेम चीज टूल्स ये भी हम करेंगे थोड़ा डीएक्टिवेट को मैं एक्टिवेट कर दूंगा मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा ये फिर से अगेन वो टाइम लेगा एक दो तो मिनट जो भी है ये लेता है तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टूल्स में जाके कंट्रोल सेंटर नेटवर्क सर्विसेज इस नेटवर्क सर्विसेज में मुझे वो मेरी रिमेनिंग सर्विस दिखेंगे कि मेरी एक्टिवेट है स्टार्टेड है स्टॉप है नहीं है क्या है सवा मैंने सेलेक्ट किया मेरा आई एम एंड प्रेजेंस ठीक है इसके बाद मुझे यहाँ पे मेरी वो सारी सर्विसेज मिलेंगी ठीक है अब यहाँ पे मुझे देखेगा कि वो रनिंग है या नहीं है अब मेरी कौन कौन सी सर्विस थी अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सर्विस मिलेंगी क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट है एंड सिस्को एक्सीपी राउटर ठीक है सिस्को एक्सीपी राउटर दिस वन सिस्को सिंक एजेंट दिस वन एंड सिस्को क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट ये मेरी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर हैं जो कि मेरी रनिंग है इस टाइम मैं चाहूँ इनको स्टॉप करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ लाइक like, मुझे समझ लो इसको क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट है इसको स्टॉप करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा स्टॉप कर दूंगा स्टॉपिंग सर्विस क्या इट मे टेक अ अवाइल थोड़ा सा टाइम लेगा प्लीज वेट फॉर द पेज टू रिफ्रेश ओके अब जैसे मैंने इसमें हो गया कि अभी ये लोडिंग दिखा रहा है अब जैसे ही ये क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट स्टॉप होगी आपको यहाँ पे रनिंग की जगह पे स्टॉप दिखेगा अभी ये सारी सर्विसेज रनिंग है आप यहाँ देख सकते हो टू जेड सारी सर्विसेज अभी रनिंग है इसमें कोई सर्विस स्टॉप नहीं है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस स्टॉप करी है ये क्या कह रहा है सिस्को क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट सर्विस स्टॉप ऑपरेशन सक्सेसफुल तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आ गया सिस्को क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट में नॉट रनिंग एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट इट अगेन मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये सर्विस अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और ये रनिंग में आपको शो कर देगा ठीक है तो ये चीज थी हमारी मेन मेन की ये ये हमारी सर्विसेज होती हैं जो हमें एक्टिवेट करनी होती हैं जो हमें रनिंग मोड में ही चलानी होती हैं इसमें थी तीन अब मैं वापस जाता हूँ उस पर सर्विस एक्टिवेशन में जहाँ पे मुझे वो दो सर्विसेज मैंने अभी स्टॉप की थी मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ उसके लिए सेम चीज आपको वही आई एम एंड पेरेंट्स में जाना है मेक श्योर sure आपको ये सर्विसेज याद होनी चाहिए दिस इज दीज आर फॉर आई एम एंड प्रेजेंट ये आपको याद होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे देखिए अभी डीएक्टिवेटेड है मैंने क्या किया नॉर्मल टेक एंड सी ओके एक्टिवेटिंग विल विल टेक टेक अ अ ओके आई नो ठीक तो यहाँ हमारा ये वाला लेक्चर फिनिश होता है हमारा जो है ये आपका सिस्को चैबर का जिसमें हमें क्या करना है सी एस एफ डिवाइस क्रिएट करने थे एसोसिएट करना था एंड यूजर से गेट वे एड करना था प्रेजेंट सर्वर पे और सर्विसेज दिखानी थी कि रनिंग एक्टिवेटेड कैसे होती हैं कैसे नहीं कहाँ पे जाके ये आप क्या कर सकते हैं सेम ये पाँच सर्विसेज जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकन ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग uh, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू